आप देख रहे हैं पहाड़ समाचार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। सतपुली के चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र में समाज सेवी दिग्मोहन नेगी सहित 50 से अधिक महिलाओं और पुरुषों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान उत्तराखंड प्रभारी दिनेश मोहनिया और प्रदेश अध्यक्ष एसएस कलेर भी मौजूद रहे। इस मौके पर दिनेश मोहनिया ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी की सरकार बनेगी। आगे उन्होंने कहा कि देश युवाओं से बदलता है, इसलिए उत्तराखंड में युवाओं को मौका दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर दिग्मोहन नेगी ने कहा कि अब उत्तराखंड में भी हमारी पार्टी आने के बाद बिजली, पानी, स्वास्थ्य और रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। देखिए, हमारी पार्टी का ये कल्चर रहा है, जो जनता चाहती है वो करते आए हैं, और मैं ये चाहूँगा यहाँ की भी जनता जो एक ईमानदार अपने प्रदेश की, अपने क्षेत्र की सेवा कर पाए, उसी को यहाँ की जनता चुन के आम आदमी पार्टी के पास भेजे और उसी आदमी के अंदर ही ये सरकार बने। और जो यहाँ की समस्या है, जो मुख्यमंत्री जी अपने गृह क्षेत्र में नहीं कर पाए, एक विधायक उठे और उससे बेहतर करके दिखाए, वही हमारी सबसे बड़ी जीत होगी। विकास नगर के पछवातून क्षेत्र में नेशनल एसोसिएशन फॉर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स राइट ने खंड शिक्षा अधिकारी को निजी विद्यालयों द्वारा अभिभावकों को शोषण करने के आरोप में ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने कहा कि निजी विद्यालय इस साल पिछले साल की कुल फीस से ज्यादा ट्यूशन फीस की मांग कर रहे हैं और ये कोर्ट के फैसले का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि अगर एक हफ्ते में स्थिति नहीं सुधरती है तो वो आंदोलन करेंगे। फिलहाल इस मामले में खंड शिक्षा अधिकारी विकास नगर के सभी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है। क्षेत्र के सभी निजी विद्यालय अभिभावकों के शोषण पर पूरी तरह से उतरे हुए हैं। ये जितने निजी विद्यालय हैं, ये ट्यूशन फीस के नाम पे अभिभावकों का शोषण कर रहे हैं। पिछले साल माननीय किसी स्कूल में फर्स्ट क्लास की फीस 1,000 रुपये थी, इस बार फर्स्ट क्लास की ट्यूशन फीस के नाम पे ये लोग 1,200 रुपये मांग रहे हैं। अरे भाई, क्या मानक है, कोई तरीका तो हो। पिछले साल आपकी 1,000 में से ट्यूशन फीस जितनी थी, इस साल उसी बेस पे आपकी ट्यूशन फीस ली जानी चाहिए, लेकिन ये लोग ट्यूशन फीस के नाम पे जो ओरिजिनल फीस थी उससे भी बहुत ज़्यादा फीस वसूली करने का काम कर रहे हैं। इसके बाद ये लोग बात करते हैं ऑनलाइन की। माननीय हाईकोर्ट का निर्देश है कि ऑनलाइन फीस आप ले सकते हैं, ठीक है आपकी बात, लेकिन जो बच्चा ऑनलाइन पढ़ ही नहीं पा रहा है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका मोबाइल की सुविधा नहीं है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं गाँव में जिनके पास नेटवर्क नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप जो ऑनलाइन बच्चा नहीं पढ़ रहा है उससे फीस कैसे ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके अभिभावकों ने उनका नाम वहाँ से कटवा के किसी और विद्यालय में लिखवा दिया है, वो लोग टीसी देने के नाम पे कह रहे हैं कि पहले ऑनलाइन फीस जमा करो, जबकि ना कोई पढ़ाई हुई ना कुछ हुआ, फिर टीसी देंगे, ये क्या तरीका है। इन सब मामलों को लेके हमने माननीय शिक्षा अधिकारी महोदय को आज ज्ञापन दिया है और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है कि हमारी समस्याओं पर वो सकारात्मक रूप से विचार करेंगे और इस पर निर्णय लेके हमें सूचित भी करेंगे और कार्रवाई भी विद्यालयों पे वो करेंगे। उत्तरकाशी के पुरौला क्षेत्र में यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे स्वर्गीय बर्फिया लाल जुवांता के भतीजे हरिमोहन जुवांता सैकड़ों समर्थकों के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। इस दौरान टिहरी जोन प्रभारी ओपी मिश्रा भी मौजूद रहे। आप में शामिल होने के बाद हरिमोहन जुवांता ने कहा कि कांग्रेस के धरातल पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिलता है और आज आप पार्टी में शामिल होने के बाद हम सभी को उस तिरस्कार से मुक्ति मिल गई है। चार धामों में से एक धाम बद्रीनाथ धाम का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अपनी बदहाली का रोना रो रहा है। बता दें कि ये स्वास्थ्य केंद्र केवल एक डॉक्टर और एक फार्मासिस्ट के भरोसे चल रहा है। इस पर स्थानीय लोगों का कहना है कि बद्रीनाथ में लगभग 1,000 से 1,500 लोग रह रहे हैं और वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार तक के लिए भी संसाधन उपलब्ध नहीं है। ऐसे में अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसे इलाज के लिए बाहर की ओर का रुख करना पड़ता है। देखिए, जहाँ तक बद्रीनाथ की बात है, वहाँ पे जो हमारा सरकारी हॉस्पिटल है उसमें अभी एक MBBS डॉक्टर और एक फार्मेसिस्ट वहाँ पे कार्यरत हैं और अभी यात्रा बहुत जोर से वहाँ पे अभी उस पीक पे नहीं है, तो मुझे लगता है जैसे यात्रियों की आवाजाही ज़्यादा रूप में वहाँ पे होगी तो उसके हिसाब से वहाँ पे डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। नई टिहरी के प्रतापनगर विधानसभा क्षेत्र के कोर्दी गांव में एक भालू ने मां बेटे पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना की सूचना फैलते ही गांव में दहशत का माहौल बन गया। वहीं मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों का कहना है कि गांव में आए दिन भालू, सुअर और गुलदार का खतरा बना रहता है, वो फसलों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके चलते उन्होंने गांव में वन विभाग की टीम तैनात की है। दो लोग आ रखे हैं भालू के हमले से घायल होके, जिसमें से काफ़ी चोट लगी है दोनों लोगों को, जिसमें से एक महिला हैं, उनके फेस पे भी चोट है
और एक पुरुष हैं जिनके सर पे काफ़ी चोटें हैं, तो दोनों को फर्स्ट एड दे रहे हैं, सूचरिंग हो रही है और महिला की जबड़े की हड्डी भी फ्रैक्चर है, तो उनका एक्सरे वक्से कराने के बाद इनको स्टेबल करने के बाद हो सकता है कि हम इनको नीचे रेफर करें हायर सेंटर में, क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत पड़ेगी कि फेस पे काफ़ी ज़्यादा गहरा घाव है। काशीपुर नगर निगम में लगभग सभी कर्मचारी सैलरी न मिलने से परेशान है, जिसके चलते नगर निगम कर्मचारी 5 दिन से हड़ताल पर बैठे हैं। वहीं इस मामले में कर्मचारियों का कहना है कि हड़ताल के 5 दिन बीत गए, लेकिन इसके बावजूद भी नगर निगम के कर्मचारियों की सुन नहीं ले रहे हैं। सैलानियों की सारगा छावनी परिषद चकराता में सफाई के नाम पर करोड़ों का बजट पास किया जाता है, लेकिन स्वच्छता के नाम पर यहां के एमईएस लाइन में कई सालों से कूड़े का ढेर लगा हुआ है। इस संबंध में एमईएस लाइन के आसपास रहने वाले ग्रामीणों द्वारा कई बार कैंट बोर्ड से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अभी तक उनकी शिकायत को संज्ञान में नहीं लिया गया है। वहीं ग्रामीणों का यह भी कहना है कि कूड़े के इस अंबार से कितनी बीमारियां फैलती है, जिससे लोगों की जिंदगी पर खतरा बना रहता है। विकास नगर पछवा दून क्षेत्र के डाक पत्थर डिग्री कॉलेज की प्रयोगशाला सहायिका कोरोना पॉजिटिव पाई गई, जिसके बाद कॉलेज को सील कर दिया गया। बता दें कि प्रयोगशाला सहायक पिछले कई दिनों से बुखार से पीड़ित थी, जिसके बाद उनका कोरोना टेस्ट कराया गया, जिसकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। डाक पत्थर डिग्री कॉलेज में संक्रमण न फैले, इसके लिए डिग्री कॉलेज को 7 दिनों के लिए सील किया गया है। पौड़ी के थलीसैड ब्लॉक में एक नाबालिग लड़की ने एक नवजात शिशु को जन्म दिया। लड़की की उम्र 15 साल बताई जा रही है। नाबालिग का आरोप है कि उसके घर के पड़ोस में रहने वाले उसके चचेरे भाई ने कुछ महीने पहले उसके साथ जबरदस्ती की थी और उसे डराया धमकाया गया था, जिसके बाद लड़की ने अपने परिजनों से इस मामले में कुछ नहीं कहा। वहीं जब नाबालिग द्वारा बच्चे को जन्म देने का मामला सामने आया तो पुलिस ने तत्काल इसको संज्ञान में लिया, जिसके बाद पीड़ित परिवार की तहरीर पर नाबालिग किशोर को पुलिस ने संरक्षण में ले लिया है और उसे बाल न्यायालय में पेश किया जाएगा। उत्तराखंड के थराली में संस्कृत मास महोत्सव के उपलक्ष में उत्तराखंड संस्कृत अकादमी द्वारा छात्र छात्राओं के लिए अंतरजाली संस्कृत गान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्हें विभिन्न टास्क दिए गए। इस प्रतियोगिता में GGIC नारायण बगड़ की छात्रा बबीता नेगी ने स्त्रोत्तम में प्रस्तुति देकर 176 अंकों के साथ अपना परचम लहराया। अपने इस उपलब्धि के लिए बबीता ने अपने शिक्षक शिक्षिकाओं और अभिभावकों और उनकी ऑनलाइन वीडियो को लाइक और शेयर करने वाले सहयोगियों का आभार प्रकट किया है। तो धन्यवाद धन्यत्रा जी। इसे बालिका मैं कुशवर सिंह भंडारी, प्रभारी प्रधानाचार्य राजकीय बालिका इंटर कॉलेज नारायणगढ़। मैं इस बालिका के लिए सभी अपने विद्यालय परिवार, खासकर जो मैडम कनवासी मैडम इस काम को देख रही थी, और अपने विद्यालय के सभी अध्यापक अध्यापिका और कर्मचारियों को इसके लिए बधाई देता हूँ कि जिन्होंने इस समय में इस बालिका पर एक अच्छा प्रयास कराया, एक अच्छी अभ्यास इससे कराया, जिसके कारण ये आज जिले में प्रथम स्थान इसने प्राप्त किया। मैं इस बालिका और इसके माता पिता सभी को बधाई देना चाहता हूँ। उत्तराखंड की नई टिहरी में प्रशिक्षित ANM ने फर्जी शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर लिखित चयन बोर्ड से शिकायत की, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि विभाग द्वारा ऐसे शिक्षकों की भर्ती की गई है जो उस पद के योग्य भी नहीं है, जिसकी वजह से सामान्य वर्ग के शिक्षकों की नियुक्ति से वंचित रखा गया है। इसी के चलते वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार उनकी मांग को नहीं मानेगी तो वो लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। कि आज हम लोगों ने यहाँ पे बेरोजगार प्रशिक्षित ANM संघ की बैठक की गई। इसमें हमारी एक ही मांग है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमें 2009 से सामान्य वर्ग की लड़कियाँ जो हैं रोजगार के लिए आज भी दर बदर भटक रही हैं, जबकि हमारे साथ की लड़कियाँ 2016 तक की आरक्षित वर्ग की लड़कियों को सरकार के द्वारा समय समय पर विज्ञप्ति जारी करते हुए ज्येष्ठता और श्रेष्ठता के आधार पर नियुक्तियां प्रदान की जा चुकी हैं, और जो कि सामान्य वर्ग की लड़कियों के साथ एक अन्याय है। 2009 से लड़कियां अभी तक भटकती रह रही हैं। हमारा सरकार से एक ही निवेदन है कि हम जल्द से जल्द हमारी विज्ञप्ति जारी की जाए और उसमें ज्येष्ठता श्रेष्ठता के आधार पर ही, पुरानी जो नियमावली है उसके आधार पर ही हम लोगों का चयन प्रक्रिया की जाए।